बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी आइडियल किचन। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं एसटी आइडियल किचन। तो जी, एक नई रेसिपी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, और इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती है। जी, हमारे बच्चों का दिल करता है घर में नूडल्स बनती रहें और बच्चे इसको इंजॉय करते रहें। तो आपने क्या करना है, आपने पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मुफीद सा नुस्खा, बहुत ही अच्छी सी टिप बच्चों के हवाले से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हवाले से। तो फिर आए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 लहसुन के जवे लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें डाल देंगे हम, तो 1 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। हमने इसको कलर नहीं देना, जस्ट हमने इसको सिर्फ रोस्ट करना है। तो जी, 1 मिनट बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने यूं लंबाई में काटा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे इसको। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही शानदार है, आसानी से बन जाएगी, और स्पेशल हमारे बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है आज की रेसिपी। बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी आज की रेसिपी बहुत इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच वाइट पेपर लिया है मैंने। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च यूज़ कर लें, अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ सॉल्ट इसमें डाल लें। तो आज हम बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम ये ब्लेजन के नूडल्स बना रहे हैं। इसके अंदर से जो मसाला निकलेगा वही हम चिकन में ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप मेरे पास शिमला मिर्च है, ये हम डाल देंगे। तो ज़्यादा वेजिटेबल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बस शिमला मिर्च डालें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई वेजिटेबल वगैरह। तो इसके साथ हम इसको 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमारा मकसद ये नहीं है कि हम गलाएंगे, बस हमने थोड़ा सा हल्का सा इसको चिकन के साथ रोस्ट करना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। ये नूडल्स के अंदर से मसाला निकला है, ये वही वाला मसाला है, कोई और नहीं है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे इसको। माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू उठना शुरू हो गई है। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। तो थोड़ा सा फ्लेम हम हाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए, और ये जो हमने सॉस वगैरह डाली है ये इसके साथ इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको हम एक बॉयल आने देते हैं। तो बॉयल जब तक आएगा, हम इसके जो साइडों पे ये लगा हुआ है मसाला, इसको हम रिमूव कर लेते हैं इस तरह से। इसमें आपको कोई भी स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कि ऑलरेडी जो ब्लेजन की नूडल्स हैं इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाला मौजूद होता है, तो वो बहुत स्पाइसी होता है। इसके अलावा हम कोई और मसाला वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जस्ट ये जो इसके अंदर से चटपटा सा मसाला निकल रहा है वही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे। तो हमने ये नूडल्स लिए हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे, ये 2 पैकेट नूडल्स के थे, तो 1 पैकेट में से 2 केक निकलते हैं। अब ये जो बाकी इसके पीस है ये भी हम ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे वाली साइड पे कर देंगे। हमने इसको तोड़ना नहीं है, हमने ऐसे ही रखना है इसको, ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी लगे। टूटे हुए नूडल्स जो हैं, आपको पता है कि वो फोक में नहीं आते, वो खाए भी नहीं जाते सही तरह से। तो इस तरह से हम हल्का हल्का सा इसको यूं प्रेस करेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जब हमारे नूडल्स पूरे पानी में घुल जाएंगी तो हमने लेना है 2 टेबलस्पून केचप, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे। हल्का सा पानी में हम यूँ इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये केचप जो है पूरी की पूरी नूडल्स में मिक्स हो जाए, और इसका टेस्ट जो है इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। बस 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। लास्ट में हमारे पास ये जो दूसरा मसाला है, ये भी नूडल्स के अंदर से निकला है, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। इतने अच्छे से हमने मिक्स करना है कि ये जो हमने मसाला इसके ऊपर डाला है, तो ये सारा का सारा नूडल्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए जी, अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्लेजन नूडल्स तैयार हो गई हैं। चिकन नूडल्स बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और सबसे बढ़कर ये कि हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करके जल्दी से इस रेसिपी को अपने बच्चों को लाजमी बना के देना है ताकि आपके बच्चे बहुत खुश रहें। तो फिर जी सबसे लास्ट में आपने क्या करना है जी, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करना है लाइक। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।